दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी हिंदी में हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कई नौकरी खोजने वालों का सपना होता है कि वह रेलवे में नौकरी करे। इस प्रकार के सपने को साकार करने के लिए इस वीडियो के जरिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि रेलवे में नौकरी का सपना पूरा करने में अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। अब हर आवेदक रेलवे में नौकरी करने के लिए आकर्षित होते दिखाई दे रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करना सबसे सुरक्षित और पसंदीदा माना जाता है। हर साल रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए सूचनाएं प्रकाशित करता है। आपको अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा मौका आज अभी है। अगर तुम कोशिश करें और सही उपाय सोचे तो तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। इंडियन रेलवे दुनिया के बड़े रेल तंत्रों में से एक महान तंत्र है। बहुत वर्ष पहले शुरू हुए भारतीय रेलवे को सबसे अधिक काम देने वाले राज्यों में माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे आवेदकों के सामने समस्या रहती है कि वे परीक्षा के हित में कैसे तैयारी करें, इस परीक्षा को कैसे कामयाब बना सके। क्या तुम चाहते हो इसका पता लगाए और अपनी सफलता की तरफ छोटे छोटे कदम उठाए। तुम्हारी रास्ते में काफी कठिनाइयां आएंगी, पर आप अपनी कठिनाइयों का डटकर सामना करें और आगे बढ़े और अंत में तुमको वही प्राप्त होगा जो तुम सदैव पाना चाहते हो। इन सभी कठिनाइयों और समस्याओं के निवारण के लिए आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ तैयारी और तरीकों से सावधान करने जा रहे हैं, जिससे आपको इस एग्जाम को कामयाब करने में बेशक सहायता प्राप्त होगी और आप रेलवे में भर्ती होने की आकांक्षा को पूरा करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप ए के अंतर्गत आप देख सकते हो ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर ग्रेड के अधीन आते हैं। आवेदन धारकों की भर्ती सिविल सर्विस एग्जाम या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम या कंबाइंड मेडिकल एग्जाम के जरिए से होती है। ज्यादातर इन एग्जाम का अरेंजमेंट यूपीएससी करवाती है। ग्रुप ए लेवल के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग एमएससी डिग्री या एमबीबीएस के लेवल की डिग्री का प्राप्त होना महत्वपूर्ण है। जहाँ दोस्तों ग्रुप बी के अंतर्गत आप देख सकते हो ग्रुप बी के लिए कोई विशेष परीक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि इस लेवल की रिक्रूटमेंट अधिक ग्रुप सी लेवल वालों को प्रमोट करके की जाती है, इसलिए इसमें आवेदन या इसके लिए कोई परीक्षा नहीं करा जाती है। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आप चेक कर सकते हो। ग्रुप सी तथा ग्रुप डी के पद नॉन गैजेटेड सबोर्डिनेट पोस्ट के अंतर्गत होते हैं। इसमें भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से पूरे साल चलती रहती है। इसमें हिमायती स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, क्लर्क, टिकट कलेक्टर, ट्रैफिक अप्रेंटिस, स्टेनोग्राफर, कैटरिंग मैनेजर, हेल्पर, क्लासी, ट्रोलीमैन, ट्रैकमैन आदि के पदों उद्देश्य से चयन प्रक्रिया होती है। इसमें रिक्रूटमेंट का बेस लिखित चयन परीक्षा होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग से जुड़े सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में भर्ती के लिए मुख्य बातें क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। परीक्षा संबंधी विषय, रेलवे रिक्रूटमेंट परीक्षा में चार विषयों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर परीक्षा की तैयारी हेतु हम इन विषयों पर फोकस करते हैं तो एग्जाम को आसानी से सफल करने में कामयाब होंगे। विषय कुछ इस प्रकार है जिन पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। या दोस्तों, नंबर एक जनरल अवेयरनेस, नंबर दो ऑर्थमेटिक अंकगणित एबिलिटी, नंबर तीन टेक्निकल एबिलिटी, नंबर चार रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, रेलवे परीक्षा होगी ऑनलाइन, इससे रिलेटेड भी आप कंप्लीट जानकारी यहाँ से चेक कर सकते हो। रेलवे के माध्यम से लिए गए फैसलों के अनुसार रेलवे एग्जाम को अब ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया बनाई गई है, जिसके जरिए अब आवेदकों को परीक्षा ऑनलाइन देनी होगी। रेलवे भर्ती के माध्यम से लिए गए इस निर्णय के जरिए आवेदकों में काफी उमंग देखने को मिल रही है। ऑनलाइन परीक्षा कराने के इस फैसले द्वारा अब अभ्यर्थियों को काफी सुविधा प्राप्त होगी। ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन होने से पहले ही परीक्षा लीक होने का खतरा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा पैटर्न आप चेक कर सकते हो। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी के ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय होंगे, जिसकी भाषा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और स्थानीय होगी। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न पदों के लिए आवश्यक शिक्षा के मानक के अनुरूप निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा में प्रश्न कई विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार का भी हो सकता है। प्रश्नों में सामान्य अवेयरनेस, मैथ, सामान्य बुद्धिमत्ता और विचार विषयों संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जी दोस्तों, साथ साथ परीक्षा को सफल बनाने हेतु मुख्य बातें क्या है
वो भी आप चेक कर सकते हो। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते समय आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे अंदर साहस की कमी है तो हम किसी भी परीक्षा को कामयाब बनाने में सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कम न होने दे। आपको अपने मुकाबले की परीक्षा के सिलेबस को कठिन परिश्रम और लगन के साथ तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम से रिलेटेड सभी विषयों की किताबें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, हल प्रश्न पत्र आदि अध्ययन सामग्री आपके पास होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम में सफलता पाने में कामयाबी नहीं पा सकते हैं। इसलिए संबंधित विषयों की विषय वस्तु की आवश्यकता है। या दोस्तों, टाइम टेबल का प्रबंध किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यधिक जरूरी होता है। तुम अपनी पढ़ाई के समय प्रश्न पत्रों का अभ्यास अधिक करते रहें और प्रश्नों को हल करने के लिए शॉर्टकट टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप कम समय में प्रश्नों के उत्तर देने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम का टाइम नज़दीक आ जाने पर समस्या बढ़नी शुरू होने लगती है। यह समस्या तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक और निगेटिव नतीजे का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपने आप को दबाव से दूर रखें। परेशानी दूर रखने के लिए मन में विश्वास रखें कि आपके जरिए की गई तैयारी परीक्षा के लिए पर्याप्त है और आप इस तैयारी से परीक्षा को कामयाब बनाने में अवश्य सफलता प्राप्त कर जाएंगे। जहां दोस्तों, इस आर्टिकल के द्वारा दी गई खबर के जरिए अब आप रेलवे में भर्ती हेतु तैयारी करने में आपको अवश्य सहायता हासिल होगी। इस जानकारी के माध्यम से आपके रेलवे में भर्ती होने का सपना पूरा हो सकेगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई समस्या या कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा। आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया और सुझाव की हमें प्रतीक्षा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए आप ये आर्टिकल हिंदी में रीड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।